तो हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो अभी ना हम छत पे आ रखे हैं और छत पे ना कल रात को ना बहुत तेज बारिश हुई थी और बहुत ठंडा हो रखा है मौसम। ऐसा लग रहा है जैसे ठंडियों का टाइम होगा और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और इसको देखो, इसको ठंड लग रही है फिर भी इसको यहीं बैठना है। मेरी और पापा की ना गले की आवाज जा रखी है। मम्मी जेटू बनाती थी, कितनी अच्छी लग रही है ना। वरना मेरे ना नाखून में इसमें ना दर्द हो गया, देखना इसको चोल चोल के ना दर्द हो गया। तो आज बनाएंगे हम मुंगरी की रोटी और पहाड़ में इसको मुंगरी बोलते हैं। मुंगरी। तो ना बहुत ही ठंडा मौसम हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे ठंडिया स्टार्ट हो गई है। ठंडा ठंडा, ये देखो इसको ठंड लग रही है फिर भी नीचे, ये ना दो तीन बार नीचे चला गया फिर भी ऐसा नहीं कि मैं नीचे रुक जाऊं, वापिस आ रहा है। कभी मेरी चप्पल लेके आ रहा है तो कभी ये देखो बिस्तर लेके आ गया, फिर चद्दर लेके भी आ गए, पर इसको ना नीचे नहीं जाना। तो सोफा सेट की तो गद्दी पूरी भीग गई है क्योंकि सुबह के टाइम इतनी तेज बारिश आई थी और वो हमें भी पता नहीं चला था। मम्मी को पता तो चल गया था, वो बहुत तेज बारिश आ रही थी सुबह, बहुत तेज बारिश आई 5-6 बजे। हाँ आप चले गई बारिश, आप देखना फिर आएगी बारिश, मौसम लग तो ऐसा ही रहा। तो चलो अब चलते हैं नीचे और बनाते हैं मैगी और भुट्टे की रोटी। तो मम्मी अब भुट्टे को ग्राइंडर में पीसेगी। वैसे तो इसे सिलबट्टे में भी पीसते हैं पर मैं इसी में पीस रही हूँ। हाँ तो मेरे को ना इसकी रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। और दीदी भी लाई है, पर दीदी स्वीट कॉर्न लाई है। अब इसको देखो कहाँ चढ़ रही है, नीचे होता है। दीदी आप स्वीट कॉर्न का क्या बनाओगे? मैं इसको फ्राई करूंगी। हाँ खाऊंगी अच्छे से। तो दीदी इसको फ्राई मिर्च मसाले डाल के खाएंगे। ये स्वीट कॉर्न है मीठी मीठी, मेरी बेटी को तो अच्छा लग रहा है, कच्चा ही खा रही है। तो मम्मी ने अब इसको ग्राइंड कर लिया है, अब मम्मी इसमें मिर्च मसाले डालेगी। ये हल्दी और ये नमक और मिर्च थोड़ी सी डाल रही हूँ और मिर्च, एक हरी मिर्च डाल रही हूँ इसमें। ये वाली मिर्च ना लगती नहीं है ज्यादा। बस बस बस। ये धनिया की जो रोटी बनती है तो ऐसे भी बना सकते हो तुम, पर मैंने इसमें दो अंडे फोड़ रही हूँ, दो ही अंडे बचे हुए हैं हमारे घर में। तो अब मैंने इसमें दो अंडे भी डाल दिए हैं, अंडे डाल के ना और भी अच्छा बनता है, ये ऑमलेट का टेस्ट भी आता है और बहुत ही अच्छा होता है, तो रोटी टूटती भी नहीं है। जैसे वैसे बनाओगे तो कभी टूट भी जाती है पर अंडे डाल के नहीं टूटती। तो अब मैंने सही से इसे मिक्स कर दिया है और मैगी मैंने बना के रख दी है, मैगी में पानी भी थोड़ा कम हो गया। तो मम्मी ने तवे में तेल रख दिया, लगा दिया है और अब इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो ना ये पहला वाला मैं चम्मच से बना रही हूँ, देखना तुम्हें कौन सा तरीका सही लगा, जरूर बताना। तो ऐसे लग रहे हैं जैसे ऑमलेट होगा। और अब मम्मी हाथ से बनाएगी। तो मम्मी ये तो गोल बन गई है, तो ये भी बन गई है, तो देखो ये वाली भी बन गई। और सभी छत पे जा रहे हैं क्योंकि छत पे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। ये देखो हमने हाथ से बनाया वो है ए, और जो हमने मतलब चम्मच से बनाया वो है बी। कमेंट करके बताना कि आपको ए अच्छी लगी या बी अच्छी लगी। तो ये देखो
बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट काम चल रहा है इनका तो। बिल्कुल गोल। तो अब मम्मी चाय बना दिए और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो ना मम्मी कब से भुट्टा भुट्टा लगी हुई थी, तो पापा ने बोला तो क्या लगी हुई है, तब से भुट्टा भुट्टा, उसको मक्का कहते हैं है ना। तो मम्मी ने बोला, फिर आदी ने वो क्या बोलते हैं मम्मी, फिर हंसने लग गए। उसके बाद आदी ने बोला कि हाँ दोस्त मतलब गाइस को ये बोलो कि हमें अभी अभी पता चला है कि उसको मक्का कहते हैं। तो मैं तो ना घर में मुंह भी बोलती हूँ और यही बोलते हैं भुट्टा मुट्टा। तो ना आदी खा रहा है मैगी, और पापा कैसा हो रहा है मक्के की रोटी? अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा। तो पहाड़ में ना मुंगरी बोलते हैं, तो मैं तो मुंगरी बोलती हूँ, मुट्टा मुट्टा यही बोलते हैं। तो ना कल ना मैं और मम्मी मार्केट गए थे, तो ना मम्मी मेरे लिए ना मार्केट से बहुत प्यारा पर्स लाई है। देखो वैसे मेरे पास ना पर्स बहुत सारे हैं, पर मेरे को ये बड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए मम्मी मेरे लिए ये भी ले लिए। अब देखो अच्छा लग रहा है, और इसके अंदर ना चैन भी है। अब मेरे पास बहुत सारे पर्स हो गए हैं, ये देखो अच्छा लग रहा है ना। तो ना जब मैं ये ले रही थी ना पर्स, तब मम्मी ने ना अपने लिए ये वाला भी पर्स पसंद कर लिया, और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।